सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर कई जनसभाओं को वो संबोधित कर रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैतपुर बाजार, डोहरिया बाजार, घसखरा बाजार, सेवई बाजार, रामलीला मैदान के अधियारी बाग और राप्ती नगर में अम्बेडकर स्कूल में एक के बाद एक कई जनसभाएँ संबोधित की। जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक बार फिर सरकार की योजनाओं और पीएम मोदी के सपनों को साकार करने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर सपा, बसपा और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई और निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कहा कि सपा और बसपा ने 15 वर्षों से प्रदेश को लूटा है। सीएम योगी ने दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा और सपा छछुंदर और सांप की जोड़ी की तरह हैं, जो इन दिनों बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नौजवानों के हितों के लिए इनके साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। सीएम योगी ने जनता से अपील किया है कि बीजेपी को फिर से जिताकर सांसद भेजने का कार्य करें। जनसभा को संबोधित करते हुए डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि केंद्र और मोदी तो राज्य में योगी की सरकार के राज का चौतरफा विकास हो रहा है। वहीं ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने अपने संबोधन में अल्प समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों की सराहना की। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल और महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने भी अपने अपने संबोधन किए और केंद्र और प्रदेश के कार्यों की गिनती भी गिनाई। सभा के पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत माल्यार्पण कर किया गया। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ल जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ल जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ल जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महानगर के शासकीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी, आप श्री सीताराम जी, आप सभी से सादर निवेदन है कि पूज्य महाराज जी का एक बड़ी माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हम गोरखपुर के गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री विपिन सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं विवाह में और पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए सभा को संबोधित। चुनावी सभा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हिंदू हृदय सम्राट पूज्य महाराज जी काशी कदम आदरणीय उपेंद्र शुक्ल जी, आदरणीय चिरंजीव चौरसिया जी, राजेश गुप्ता जी, राम भुवन कुशवाहा जी, सतीशान सिंह जी, रूपेश गुप्ता जी, सूर्यप्रकाश शर्मा जी, भाई विश्व जी और लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन आदरणीय उपेंद्र शुक्ल जी, जिनको योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बाद इस क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, सबसे पहले मैं उनका
हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और एक बार आपसे भी चाहूंगा कि अपने उस लोकप्रिय प्रत्याशी जो आज 11 तारीख तक एक औपचारिकता है, इंतजार 11 तारीख को है कि उस दिन वोट पड़ेगा और मतगणना होगी, लेकिन गोरखपुर की जनता तो फैसला कर चुकी है कि हमारा जिस तरीके से हम योगी आदित्यनाथ जी को जिताते थे, अगर केंद्रीय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने उनको सांसद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे सुशोभित करने का काम किया है, तो गोरखपुर की जनता उनके प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला को सूद ब्याज के 7% बहुमत से जिता करके भेजने का काम करेगी। हाँ सर, गोरखपुर से बोल रहे थे सर, यह सीट पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के उपरांत संबोधित करेंगे, लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई। साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है हमको गोरखपुर वासियों के लिए कि पूज्य महाराज जी पूरे संसदीय क्षेत्र के हर गांव गली से वाकिफ है, हर कार्यकर्ता से हमेशा रूबरू होते रहे हैं, सबसे चिर परिचित है। साथियों, अब काल 11 महीने में पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर जनपद के लिए दिया है, शायद कभी इतिहास में हुआ भी नहीं था और आगे होगा भी नहीं, जो पूज्य महाराज जी ने 11 महीने में किया था, किया है। साथियों, आपके बगल में बतौर सांसद रहते हुए पूज्य महाराज जी ने फर्टिलाइजर का शिलान्यास करवाया था, हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी को बुला करके एम्स का शिलान्यास करवाया था, गोरखपुर से बनारस फोर लेन, गोरखपुर से बलिया, गोरखपुर से सनौली, कालेसर से जंगल गौड़िया, सब सांसद रहते हुए पूज्य महाराज जी ने सारे कार्य किए थे। उसके बाद पूज्य महाराज जी जब प्रदेश की बागडोर संभाले तो साथियों हम लोग गिना नहीं पाएंगे, आधा भी काम नहीं गिना पाएंगे जितना पूज्य महाराज जी ने कम समय में आपके जिले के लिए किया है। चूंकि हमारी विधानसभा है, इसी के साथ थोड़ा बारो पिपरौली का भी हिस्सा इसमें आता है, शहर के लिए ही आप देखे हावड़ बंधा जो था कितनी दयनीय स्थिति थी बाढ़ के समय में, 29 करोड़ रुपए पूज्य महाराज जी ने उसको स्वीकृत किया, काम केंद्र प्रक्रिया पूरी हो गई, काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। आप देखें नौमी बंधा इसकी लंबाई 31 किलोमीटर, उस पर पूज्य महाराज जी ने 62 करोड़ 17 लाख रुपए दिया है, उसका शिलान्यास पूज्य महाराज जी चंद दिनों पहले किए थे। महानगर में साथियों 22 वार्ड मेरे आते हैं, लेकिन जीडीए और नगर निगम मिला के 45 काम पूज्य महाराज जी ने हमारे क्षेत्र में शिलान्यास किया है, सारे कार्य शुरू भी हो गए हैं। हर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है कि हमारे प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ल हर कार्यकर्ताओं के घावों पर मरहम लगाने का काम करते हैं, किसी से कोई पीड़ित हो जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते हुए, जिलाध्यक्ष रहते हुए आपने जितने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है, मान बढ़ाया है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, उन्हीं को पूज्य महाराज जी ने आपके बीच में प्रत्याशी बना के भेजा है। साथियों, आपसे अनुरोध है पूरे बढ़ चढ़ के हर घरों में जाकर के सबसे अनुरोध करके एक एक वोट को बूथ तक पहुंचाने का कार्य करिएगा, और भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह के सामने वाली बटन दबा करके भारी मतों से आप अपने प्रत्याशी को विजयी बनाए। प्लीज शब्दों से के साथ आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य महाराज जी। और इस सभा को संबोधित करें श्री उपेंद्र शुक्ल। हमारे नेता उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री राज जी,
पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर के अपने प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच मुझे भेजा है। और आज आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, स्वयं आपको आशीर्वाद दे करके मेरे लिए सहयोग की अपील करने के लिए वो आपके बीच आए हैं। मैं आप सबके तरफ से, अपने तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। मैं विनती और प्रार्थना के भाव में कि ये लड़ाई उपेंद्र शुक्ला की नहीं, ये लड़ाई गोरखपुर के गौरव, संपूर्ण हिंदू समाज के गौरव, पूज्य योगी आदित्यनाथ के सम्मान की लड़ाई है। इसलिए आपसे मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि अपने नेता, अपने गौरव के सम्मान की रक्षा में आपको स्वयं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का सिपाही बनकर, अपने आप को उपेंद्र शुक्ला बना करके, चाहे दलित बस्ती हो, चाहे अति पिछड़े और पिछड़ों की बस्ती हो, चाहे सामान्य वर्ग की बस्ती हो, सबके दरवाजे की चौखट पर मत्था टेक करके 11 तारीख को कमल की बटन दबा करके मुझे आशीर्वाद दिलवाना है। पूज्य योगी जी का गौरव और सम्मान आज पूरे देश में नहीं रही, दुनिया में है। अभी त्रिपुरा के चुनाव की जीत का पूरा श्रेय आपके हिस्से में है, गुजरात के चुनाव की जीत आपके हिस्से में है, कर्नाटक का चुनाव भी बिना आपके योगदान के पूरा नहीं हो सकता। इसलिए पूरे देश में पूज्य योगी जी का डंका बढ़े, गोरखपुर का सम्मान बढ़े, गौरव बढ़े, यही विनती और प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। और हम सभी को संबोधित कर आदरणीय सीताराम जी, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे उपेंद्र जी आज इस मंच पर है, हम तालियों के गड़गड़ाहट से इनका समर्थन करें, इनके महाराज जी को सम्मान करें और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया है, भारी मतों से विजयी बनाए। हमारे मंच पर उपस्थित है अभी बड़ी लंबी महाराज जी के कार्यों का पूरा एक एक कार्यों का विश्लेषण हमारे डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद जगदम्बिका पाल जी ने किया है। मैं इन्हें भी इस मंच पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जिससे नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है उसका पूरा विश्लेषण हमारे सांसद जी ने किया है। माफियाओं का राज कभी गोरखपुर में हुआ था, लोग यहाँ आने को डरते थे, उद्योग लगाने की बात ही दूर थी। उन्होंने पूरा विश्लेषण किया है, एक एक चीजों को बताया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, गोरखपुर के लोकप्रिय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, डुमरियागंज से हमारे बहुत कर्मठ और लोकप्रिय सांसद माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष श्री पुष्पनंद जैन जी, सत्येंद्र सिन्हा जी, चुनाव के सह संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, ऋषि मोहन वर्मा जी, देवेश श्रीवास्तव जी, शशिकांत सिंह जी, विश्वजितांशु सिंह आसू जी, रुपेश गुप्ता जी, सूर्य प्रकाश शर्मा जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों,
गोरखपुर में उपचुनाव, ये आप सब इससे पहले से ही विदित हैं। गोरखपुर में मैं आप लोगों से केवल वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं जानता हूं मैं नहीं भी आऊंगा तब भी आप लोग वोट देंगे, क्योंकि यही विश्वास गोरखपुर के बीच गोरखपुर में बीच में है और उसी विश्वास के प्रति जीवन आपसे मुलाकात करने और कार्यक्रमों के बहाने आपके बीच में आने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि उपचुनाव में हम लोगों ने, चूंकि मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया है, पिछले 5 बार से लगातार आप लोग मुझे चुनाव जिताते रहे हैं। लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना था, इसलिए मैंने अपने प्रतिनिधि के रूप में शिवपेंद्र दत्त शुक्ल को आपके बीच में भेजा है। शिवपेंद्र दत्त शुक्ल विकास की योजनाओं को जो गोरखपुर के लिए हम लोगों ने तैयार की हैं, जिसके बारे में श्री जगदम्बिका पाल जी ने, श्री विपिन सिंह जी ने और आपके लोकप्रिय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी यहाँ पर जो कह रहे थे, उन सभी योजनाओं को वास्तव में जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए एक योग्य और कर्मठ सांसद की आवश्यकता, और उसके लिए हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में शिवपेंद्र दत्त शुक्ल को आपके बीच में भेजा है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं भारत की राजनीति में 26 मई 2014 का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था। शपथ ग्रहण करते समय उन्होंने कुछ बातें कही थी और बातें कही थी कि हमारी सरकार इस देश के गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करेगी। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारी सरकार किसी वर्ग के लिए, किसी जाति के लिए, किसी मत के लिए, किसी मजहब के लिए कार्य करेगी। यानी विकास समग्र रूप से होना चाहिए और विकास की योजना का लाभ आम नागरिक को प्राप्त हो। जो कार्यक्रम 26 मई 2014 से प्रारंभ हुआ, आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर दायित्व तो मुझे दिया गया है और उसी दायित्व तो को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जब कार्य प्रारंभ किया है, आप अनुमान करिए कि हम लोगों ने नारा केवल उस प्रकार के खोखले नारे नहीं दिए जिन नारों के आधार पर अब तक की राजनीतिक दल प्रदेश की जनता को छलने का कार्य करते थे। हम लोगों ने वास्तविकता को जमीनी धरातल तक उतारने का कार्य किया है और उसी का परिणाम है कि विकास और सुशासन के जिस मुद्दे पर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश दोनों स्थानों पर शासन करने के लिए बहुमत दिया, उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज उसके परिणाम आप सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर में या प्रदेश के अंदर कहीं भी पहले बिजली अपने आप एक चैलेंज हुआ करती थी। गोरखपुर के लोग ये मानते होंगे कि और बिजली उन्हें मिल रही, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सत्ता में आने के पहले प्रदेश के अंदर विद्युत की दुर्व्यवस्था को देखा है, झेला है, नजदीक से महसूस किया है। गोरखपुर की सड़कों पर विद्युत की दुर्व्यवस्था के खिलाफ मई और जून के महीनों में सड़कों पर उतर पर आंदोलन करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर आंदोलन हम लोगों ने झेला है, किया है और उस पीड़ा को हम जानते थे और इसीलिए हम लोगों ने आने के बाद एक बात कही कि गोरखपुर की नहीं बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित हो और समान रूप से हो, इसके लिए गोहर जनपद मुख्यालय को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
क्या था प्रदेश के अंदर सभी 75 के 75 जनपदों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफल हुए हैं वो आपके सामने आपके लिए एक उपलब्धि है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एक चैलेंज था, जिस प्रदेश में हर सप्ताह दो दंगे होते थे, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न नहीं हो पाते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागिरी चरम पर थी, सपा हो या बसपा इन दोनों दलों के गुंडे थाने और तहसीलों पर कब्जा करके आम जन का जीना बेहाल कर दिए थे। उस प्रदेश में आज 11 महीनों के दौरान एक भी दंगा न होना और प्रदेश के अंदर कानून का राज आज इस देश के प्रदेश के अंदर देश और दुनिया के उद्योगपतियों के द्वारा निवेश के लिए आकर्षित होना इस बात का प्रमाण है। और इसीलिए हम सब आपके पास कहना चाहते हैं, जब विकास की बात होती थी वर्षों से गोरखपुर के वासियों की भी तमन्ना थी कि हमारा भी विकास हो, हमारे यहाँ की सड़कें चौड़ी हो, हमें भी बिजली मिले, हमारे यहाँ भी उद्योग धंधे लगे, हमारे यहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे तकनीकी संस्थान बने, अच्छे कॉलेजेस बने। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। फर्टिलाइजर का शिलान्यास और एम्स का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर पहले हम लोग करवा चुके हैं। पिपराइच में एक नई चीनी मिल लगने जा रही है, बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में 8 नई सुपर स्पेशलिटी के कार्य को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। गोरखपुर के अंदर मेट्रो के को डीपीआर के उसकी डीपीआर फिर से बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। गोरखपुर की सड़कों में का चौड़ीकरण हो, ये नंगे तार हटे और अंडरग्राउंड केबल बिछे, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। गोरखपुर में जल जमाव की समस्या का समाधान हो और हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो, इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जब प्रारंभ हुई है। सरकार धन दे सकती है लेकिन वह धन सदुपयोग हो सके उसके लिए आवश्यक है कि अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुना जाना चाहिए। अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, सक्रिय और कर्मठ जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, सरकार से पैसा भी लेने लाकर के लेकर के आएंगे और विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देने में भी उन्हें सफलता प्राप्त होगी। और इससे आवश्यक है आज पूर्वोत्तर का भारत कैसे भारतीय जनता पार्टी के विकास और सुशासन किस मुद्दों के हाथे हाथ ले रही है। नागालैंड 95% वहां पर क्रिश्चियन आबादी है, परमिट सिस्टम है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के मुद्दे पर आज सरकार बना रही है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 से अधिक मतों के साथ परसों शपथ ग्रहण करने जा रही है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। भाइयों बहनों, जब पूर्वोत्तर के भारत में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल सरकार बना सकते हैं, कोई कारण नहीं कि जो परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है विकास और सुशासन के इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, आज जब हम सब आपके बीच आए हैं तो मुझे आप सबसे ये अपील करनी है, उपेंद्र दत्त शुक्ल आपसे अपरिचित नहीं है। 1994 से हमारे साथ कार्य करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जो भी दायित्व मिला या नहीं मिला, जहां भी पार्टी ने लगा दिया वहां लग करके भिड़ करके पार्टी के मूल्यों और नीति सिद्धांतों को आगे बढ़ाने उन आदर्शों पर चलने का उन्होंने कार्य किया। और पिछले 3 बार से क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए जिस प्रकार की अपनी एक छवि प्रस्तुत की, हम लोगों ने जब मैंने सीट खाली की मुझसे पूछा गया कौन चुनाव लड़ेगा, मैंने कहा श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल को हम लोग प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं और आज उन्हें मैं आपके बीच में यहां लेकर के आया हूं। आप सबसे अपील है, मैं जानता हूं इतनी जल्दी कोई भी प्रत्याशी घर घर नहीं जा सकता, आप सबसे अपील है आप में से हर व्यक्ति उपेंद्र दत्त शुक्ल बनकर के घर घर जाकर के मतदान करें। नगरीय क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत जितना अधिक होगा भारतीय जनता पार्टी उतने अधिक भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएगी। आज आपने देखा होगा सांप और चुचंदर की तरह किस प्रकार से सपा और बसपा एक साथ मिलकर के प्रदेश के विकास में फिर से रोड़ा अटकाना चाहते हैं। ये भ्रष्ट गठबंधन, ये नापाक गठबंधन, प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला ये गठबंधन
प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने वाला एक गठबंधन, प्रदेश में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला एक गठबंधन, प्रदेश के किसान और प्रदेश के व्यापारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला एक गठबंधन, इसको एक सिरे से खारिज किए जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं, समझने की आवश्यकता है। जो लोग कल तक श्री राम को गाली देते थे, जिन लोगों ने कल तक आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि लखनऊ में अंबेडकर स्मारक को हम सत्ता में आने के बाद ध्वस्त कर देंगे, और जो समाजवादी पार्टी स्टेट गेस्ट हाउस कांड के माध्यम से सुश्री मायावती जी की ही उस समय हत्या करना चाहती थी, उस समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो सौदेबाजी का एक गठबंधन किया है, ये सौदेबाजी का एक गठबंधन प्रदेश की जनता को समझना होगा। और इसलिए आप सबसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। 2014 और 2017 में प्रदेश की जनता ने वंशवाद, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को खारिज किया है, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आपसे कहने के लिए उपेंद्र दत्त शुक्ल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी आपके बीच में दिया है। आप सबसे अपील है, हर कार्यकर्ता, हर गोरखपुर का हर नागरिक उपेंद्र दत्त शुक्ल बन करके हर एक नागरिक के पास अपील करते हुए, परिचित हो अपरिचित हो, सबसे कह करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, कमल के निशान पर जाए, यही अपील 11 मार्च के लिए आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। हमारे ज्ञापन के लिए क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय जैन साहब से साधन निवेदन। आज श्री रामलीला समिति यहाँ पर हर वर्ष रामलीला कराती है, इसी रामलीला के ग्राउंड में आज हमारे परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे बीच आज पधारे हैं, और रामलीला के जो है शुभ अवसर पर हम लोग उनका स्वागत करते हैं। आज इस मंच पर हम पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और सभी अपने परम पूज्य प्रत्याशी के लिए भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं, यहाँ पर आई हुई जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और सबको धन्यवाद देते हैं।